स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज हम अशक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक हॉरर मूवी है जिसमें मेन स्टार कास्ट में ओम पुरी के पोते यानी आपको इसमें बरदान पुरी नजर आएंगे और उनके ऑपोजिट आपको सोनाली शेरगिल नजर आएंगे जो पहले प्यार की पंचनामा और प्यार की पंचनामा 2 कर चुके हैं और उनके साथ आपको शक्ति कपूर के बेटे सिद्धार्थ कपूर नजर आएंगे और आदित्य गुहा भी इस मूवी में आपको नजर आएंगे। ये फिल्म की कंसेप्ट अच्छी थी पर इसे एग्जीक्यूशन नहीं कर सके क्योंकि ये एक हॉरर मूवी थी पर इस मूवी में आपको 2-3 जंप स्केयर मूवमेंट के अलावा कहां पर भी आपको डर नहीं लगेगा। इतने बड़े बड़े स्टार किड्स के होने के बाद ये मूवी कुछ अच्छा नहीं कर सकी क्योंकि इस मूवी में जो कंसेप्ट था उसे एग्जीक्यूशन नहीं कर सके और इस मूवी की जो परफॉर्मेंस थी वो भी बिलो एवरेज थी। इस मूवी की कंसेप्ट मुझे अच्छी लगी पर इसकी राइटिंग और इसकी डायरेक्शन और इसकी बेहुदा वीएफएक्स के द्वारा ये मुझे बहुत ही बोरिंग लगी क्योंकि इस मूवी में कहीं पर भी आपको वो कंसेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दिखाती। इस मूवी को देखने पर आपको जैसे लगेगा आप किताब पढ़े हो क्योंकि एक पन्ने के पीछे और एक पन्ना और एक पन्ने के पीछे और एक पन्ना जैसे लगा हुआ होता है ऐसे एक सीन के बाद और एक सीन के बाद और एक सीन आपको ऐसे लगा हुआ लगेगा क्योंकि एक सभी सीन में आपको इमोशन मिसिंग लगेगा। ये फिल्म इंडियन हॉरर जॉनर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट ला सकते थे क्योंकि इस फिल्म के जो कंसेप्ट था वो बहुत यूनिक था पर इसे एक्सप्रेस नहीं कर सके जिसके वजह से ये फिल्म आपको एक बोरिंग फिल्म की जैसे याद रहेगी। इस मूवी की जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसकी कंसेप्ट है जिसको इस फिल्म में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सके जिसके वजह से लगभग 2 घंटे की ये मूवी आपको स्लो लगेगी। और फिर भी आपको इस मूवी को देखना है तो आप जियो सिनेमा पर इसको फ्री में वॉच कर सकते हैं। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लगातार मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।